कृषि पर्यवेक्षक 2013 पेपर आउट 2015 में हुआ था जो। चने का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण क्षेत्रफल होता है 100 से 1000 हेक्टेयर के लिए। तब मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या की सही क्रम है, सही क्रम होगा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा, फिर उसे एक्टिनोमाइसिटीज कम, फिर फफूंद, फिर अन्य। परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए 2 मिलीमीटर से कम। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। कपास में बोलवर्म को नियंत्रण के लिए फिरोमोन एवं परमोच बीज अंकुरण को के कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए? 21 दिन बाद में। 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है? 6 से 8 केजी। वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहनी उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान था द्वितीय। कृषि सस्टेन जलवायु क्षेत्र में पौधे की वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन यानी PET के अलावा अन्य मुख्य कारक है मृदा में नमी भंडारण क्षमता। मृदा में केशिकीय जल किस वायु दाब पर होता है? 0.33 से लेकर 0.33 से 31 यानी कि 31 एटमॉस्फियर। आम की बीज रहित किस्म कहलाती है सिंधु। नीमू में साइट्रिक्स क्रैंकर रोग का कारण है जेंटामोनास साइट्रिक जीवाणु। तफल मक्की किस प्रमुख हानिकारक कीट है? बेर की। अनार में अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को कहा जाता है अंबे बहार। बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005 से 6 में। कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है 70%। इसार ललित किस्म है टमाटर की। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ स्थित है? ढोंडियाल जयपुर। गाजर की एशिया किस्म अधिक पाया जाता है? एंथोसाइनिक पिगमेंट्स। बुसा यम दागनी किस्म है गाजर की। अवलेही को बोलते हैं जेली। में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है 65%। लौकी में नर फूलों की अधिक उद्गम का कारण है यानी लौकी में नर फूलों का अधिक बनने का कारण है उच्च तापक्रम एवं अधिक नाइट्रोजन। पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन है फॉर्मेल्डिहाइड। में से वी जातीय चुनिए हलवी केसरी भी फलजली भी और दशहरी अलग ये हलवी अलग है। आम की किस किस्म में उत्के से विकृति अधिक पाई जाती है? अल्फांसो में। फल वृक्षों के लगाने में षट्भुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 15%। खजूर से देर से पकने वाली किस्म है मिडजोल। फूल गोभी में बूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी से कारण होती है? बोरोन की कमी के कारण। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है गुड़गांव में। राजस्थान में सेनिया मुखी यानी सनिया की खेती प्रमुख क्षेत्र है जोधपुर में। बकरे के मांस को क्या कहते हैं या को कहते हैं? चेवन। टेटोइंग एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का है। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है थारपाकर। भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक अतिसार रानीखेत और निमोनिया। इसका सही आंसर होगा निमोनिया। रानीखेत संबंधित है यानी एक बीमारी है रानीखेत जो मुर्गियों से संबंधित होती है। इसमें आंसर देगा कुकुट से संबंधित है।
कृमिहार दवाइयों के रूप में निम्नलिखित दवाइयों में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं नागौरी नस्ल के। मादा पशुओं का गर्भधारण का उद्गम उत्तम समय है। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक। सर्वप्रथम नवजात बछड़ों बछड़ियों को पिलाना चाहिए खीर। गाय भेड़ बकरी में इंसाइजर दांत निकटतक होते हैं केवल निचले जबड़े में। गाय के दूध में वसा प्रतिशत होती है 4 से 5। मेरीनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? इसका सही आंसर होगा स्पेन। हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? असंतुलित एवं अल्प आहार से, दवाई एवं चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, उपयोग सभी। ट्रैक कार कैनूला किस रोग से संबंधित है? इसका टिप पेनाइट्स यानी आपरा। इसमें टिप पेनाइट्स यानी आपरा एक रोग है, आहार जनित रोग है। कुकुट पॉक्स जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। कौन सी भैंस के सिंग छोटे एवं जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? मुरम। पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवाई पिलानी चाहिए वर्ष में 2 बार। दूध धोने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण अस्त विधि। कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है डेपोंग विधि। शुगर केन में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। भूसा ज्वाइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? इसका सही आंसर होगा बरसीम। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है 20% से अधिक यानी इसका स्पष्ट होगा। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है गाजियाबाद। चूहे के नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूगा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? 20 ग्राम। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है SHV17। वर्ष में 2011-12 के अनुसार दलहनी उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है तृतीय। जैव उर्वरकों मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया की SCFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री कितनी होनी चाहिए? 1×10^7। नाशी जीवों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है खतपतवारों द्वारा।